जय भीम साथियों, सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एशिया के सबसे बड़े पुस्तक मेले विश्व पुस्तक मेले में आए हुए हैं, प्रगति मैदान में। तो यहाँ पे हमारे साथ बौद्धाचार्य शांतस्वरूप जी मौजूद हैं, सम्यक प्रकाशन के संस्थापक हैं। तो हम उनसे आज एक विषय पे चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान के बारे में कुछ लोग बहुत कम जानते हैं, उसके बारे में जानेंगे। बौद्धाचार्य शांतस्वरूप जी के माध्यम से मैं स्वागत करता हूँ सम्यक इंडिया टीवी में कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, और धन्यवाद सम्यक इंडिया टीवी का भी। आज हम भारतीय संविधान के उस पक्ष पर एक संक्षिप्त सी बात करेंगे, प्रायः हमारे पाठकगण उससे परिचित नहीं हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान से इस देश का संविधान लिखा गया, और जब वो लागू किया गया तो एक विशेष प्रकार की विचारधारा के लोगों ने सरकार पर ये दबाव बनाया कि अब हम तो स्वतंत्र हो गए हैं, अपना संविधान अपनी भाषा में आना चाहिए। तो एक आंदोलन का रूप जब इसने ले लिया, तो संविधान को हिंदी में लिखने का जब निर्णय हो गया, पूरे देश में कोई ऐसा विद्वान नहीं था हिंदी का जो इसका अनुवाद कर सके। कारण यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स होते हैं उनके हिंदी शब्द उस समय तक वातावरण में नहीं थे, शब्दकोश में नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को भी बुलाओ और हमको ये हिंदी में ही चाहिए। और हिंदी में उसका जो अनुवाद छपा साथियों, वो हम भी छापते हैं, मगर इसकी एक दिक्कत यह है, बड़ी व्यवहारिक दिक्कत यह है कि इसमें जो टेक्निकल वर्ड है, पारिभाषिक शब्द जो दिए हैं वो डिक्शनरी में नहीं मिलते। वो ज़बरदस्ती बनाए गए थे, और ज़बरदस्ती बनाने के बाद उनको किसी भी शब्दकोश में सम्मिलित नहीं किया गया। इसलिए ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि पाठक गण जब हिंदी का संविधान ले जाते हैं तो उन शब्दों से अनजान रहते हैं जो इसमें दिया है। इसलिए हमने एक संविधान निकाला, इसको डिग्लोट कहते हैं, बाइलिंगुअल भी कहते हैं, द्विभाषी भी कहते हैं। इसमें एक तरफ अंग्रेजी भाषा है, एक तरफ हिंदी भाषा है। इसकी सबसे बड़ी सुविधा यह है कि अंग्रेजी शब्द सब डिक्शनरियों में मिल जाते हैं। आप अंग्रेजी का डिक्शनरी खोलिए, चाहे वो अंग्रेजी हिंदी हो, चाहे इंग्लिश टू इंग्लिश हो, वो वर्ड आपको मिल जाएंगे, और उनका हिंदी अनुवाद क्या है वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो तथ्य है, ये इसके मौलिक हिंदी से समझ में नहीं आते हैं, वो आपके समझ में आ जाएंगे। अपने पाठकों की सुविधा के लिए एक ये परामर्श के रूप में ये बाइट बनाई गई है। आशा है कि हमारे पाठकगण इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। इसके अलावा ये बताना भी रुचिकर रहेगा कि सम्यक प्रकाशन ने 3-4 तरह के संविधान अलग अलग आकार में अलग अलग विशेषताओं के साथ छापे हैं। मौलिकता सबकी एक समान है, सभी में 103 अमेंडमेंट जो संशोधन हुए हैं वो इसमें डाले गए हैं। इतना ही नहीं, फुटनोट्स दे करके इसको बिल्कुल अपडेट किया गया है। हमारे सम्यक प्रकाशन ने ये निर्णय किस लिए लिया, इसलिए लिया कि संविधान का प्रचार इस भाषा की दिक्कत से नहीं हो पा रहा, उस दृष्टि से भारतवर्ष का जनमानस इस संविधान की विशेषताओं से अनजान, घर घर तक संविधान का जो सार है वो पहुँचे, संविधान के अंदर क्या विशेषताएं निहित हैं, क्या महानता निहित है, वो जन जन तक पहुँचे, इसी एक पुनीत उद्देश्य के साथ ये सूचना सबको दी जा रही है। तो संविधान को जो लोग पढ़े लिखे हैं वो बायलिंगुअल संविधान खरीदें, और संविधान में कोई वर्ड हिंदी में अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है उसका पैरेलल वर्ड अंग्रेजी का देखें, और अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी में जाकर उसको ढूंढ लें उसका मतलब क्या होता है। अब क्योंकि संविधान को नई हिंदी में नहीं बनाया जा रहा और पुरानी हिंदी समझ में नहीं आती है, तो उस तक हमारे पाठक कैसे उस समस्या से पार पाएंगे, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। संविधान का प्रचार होना चाहिए और बहुत बड़े स्तर पर होना चाहिए, उस चीज़ को अमली जामा पहनाने की दृष्टि से ये विचार बहुत उपयोगी है, और यही जानकर हमने जनता के सामने ये रखा है। जनता, मुझे पूरी उम्मीद है, इसका सुविधा का लाभ उठाएगी और संविधान को अच्छी तरीके से समझने में सफल रहेगी। ये इसका एक मकसद है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, जो आपके सामने ये सूचना परोसी गई है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।